हम के सम्मानित प्रदेश अध्यक्ष हैं, इस मंच पर उपस्थित और हमारे साथ आए जी जो संचालन कर रहे हैं, पूर्व के प्रदेश अध्यक्ष, इससे पहले प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी इनके पास थी, यहाँ पे उपस्थित श्री राजेंद्र सिंह जी जो प्रभारी हैं बंगाल के, बंगाल प्रदेश के हम के प्रभारी हैं और इन्हीं के कंधों पर जिम्मेदारी सौंपी गई है कि वहाँ के संगठन का विस्तार, नए साथियों को जोड़ना और इनके देख रेख में सारा कार्यक्रम किया गया है। यहाँ पर उपस्थित हैं भाई सत्यम सिंह जी प्रधान महासचिव हैं, हम के बंगाल के प्रदेश के प्रवक्ता हैं श्री प्रभु चाटी जी, यहाँ पर उपस्थित हैं श्री हुसैन चौधरी जी, श्री विकास मंडल जी। आज त्रिपुरा से आकर के हम लोग की पार्टी विचारधारा को मानते हुए पार्टी की सदस्यता, जीवन सदस्यता लेने वाले श्री निरुपम जी, उनको मैं पार्टी हम परिवार में उनका स्वागत करते हैं, आशा करते हैं कि उनके आने से हम लोग की ताकत बढ़ेगी और खास करके उन क्षेत्रों में, उन राज्यों में, पूर्वोत्तर के राज्यों में हम उनका विस्तार होगा। इन्हीं आशा के साथ हम चाहते हैं योगदान करने के लिए यहाँ पे उपस्थित है भागीरथ मंडल जी, श्री संत के बिहार से आए हुए युवा प्रकोष्ठ के सम्मानित प्रदेश अध्यक्ष, तेजराज नेता श्री नरेंद्र शास्त्री जी, बहन गीता पासवान जी, यहाँ पर उपस्थित बहन प्रभा पासवान जी, श्री अनिल कुमार जी जो बिहार से आए हैं, मीडिया सरकार देखते हैं बिहार में श्री सरवण कुमार जी हैं, यहाँ पर उपस्थित राजेंद्र भाई राजेंद्र जी हैं और मंच पर उपस्थित भाई इंतजार जी, पार्टी के शुभचिंतक और पार्टी के कदावर नेता, बंगाल में पार्टी के स्थापना काल से ही इनका सहयोग रहा है और जहाँ भी पार्टी का कार्यक्रम होता है बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। यहाँ पे उपस्थित हैं भाई आलम जी और इरफान हक जी, यहाँ पे उपस्थित हैं हम सबके अभिभावक जैनुल आबेदीन जी जो वक्फ बोर्ड के असिस्टेंट जज रह चुके हैं और मीडिया के भाई विवेक शुक्ला जी, महबूब रजा सिंह जी और उपस्थित मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के और सभी भाई बंधु, मंच पर उपस्थित सभी सम्मानित नेता, सम्मानित कार्यकर्ता और इस कार्यक्रम के आयोजक सभी को मैं अपनी पार्टी की तरफ से और अपनी तरफ से आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत आप सबका धन्यवाद कि आप सब यहाँ इतनी देर से बैठे हुए हैं। आज जिस सभागार में हम लोग उपस्थित हैं, ऐतिहासिक सभागार है और अपने हृदय में और ऐसे बहुत सारी घटनाक्रम का गवाही ये सभागार देता है, देश की आजादी का हो, सुभाष चंद्र बोस के बारे में बताया गया कि जब मेयर बनने से पहले जो उनकी सभा हुई है, यही सभा हुई, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की यहाँ कई एक बार सभा हो चुकी है, 10-12 बार। कहने का मतलब है कि देश की आजादी और देश की लड़ाई और कुर्बानी का गवाही सभागार देता है और सभागार में आज एक कार्यक्रम हम का जो कार्यक्रम हो रहा है, हम समझते हैं हम की भी एक शुरुआत एक अच्छी जगह से हो रही है तो हम भी उस बुलंदियों को छूएंगे, उस बुलंदियों को छूएंगे जो इस सभागार में उपस्थित सभी लोगों ने उस बुलंदी को पाया है। आज बहुत ही
पार्टी के लिए उत्तम दिन है कि हम लोग इस सभागार में उपस्थित हैं और यहाँ से जो मैसेज जाएगा, यहाँ से जो हमारे कार्यकर्ता, हमारे पार्टी के नेता जो बात करेंगे या जो बात उन्होंने की है, हम समझते हैं कि आने वाले समय में पार्टी को मजबूती प्रदान करेंगे। आप सबको पता है हम की स्थापना कैसे हुई है। बिहार में एक घटनाक्रम के कारण हम की स्थापना हुई और उस समय बहुत सारे समाज के हर तबके के नेता, कोई भी समाज का हो, किसी भी जाति व्यवस्था से आज सबके नेता, जो बड़े नेता थे, सभी लोग ने मिल करके एक संगठन का नाम दिया। उसका नाम हम था और उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष बने आदरणीय देवेंद्र राम मांझी। और हम लोग जब ये पार्टी बना रहे थे तो एक ही मकसद था हमारा कि हम उन गरीबों के बीच में जाएं, खास करके बिहार में, क्योंकि आज भी बिहार में गरीब लोग जो हैं, किसान लोग हैं, आज भी गांव में निवास करते हैं और कहीं कहीं जो विकास की रोशनी है अभी उनके आसपास नहीं पहुंची है, पहुंची है लेकिन उस तरीके से नहीं पहुंची है जितने जिसके हकदार हैं, उस तरह से उनके पास अभी नहीं पहुंची है। उस रोशनी को पहुंचाने के लिए, उनके आवाजों को बुलंद करने के लिए, उनकी आवाज करने के लिए, उनको मंच देने के लिए हम का गठन हुआ। हम एक मंच है, हम एक विचारधारा है उन गरीबों का, जो गरीब एक बंगाल है तो पिता की धरती तो क्रांतिकारी धरती है, यहाँ से क्रांति निकली है, यहाँ से एक नई दिशा निकली है, जो पूरे देश को एक नई दिशा दिया है। लेकिन एक सांस्कृतिक धरोहर है यहाँ का, इसके साथ अलग ही महत्व है। लेकिन बिहार भी लोकतंत्र की धरती है और उस लोकतंत्र में कहीं ना कहीं सबका साथ होना चाहिए, इसी के लिए हमका गठन हुआ। और हमने नारा दिया कि सभी गरीबों एक हो, सबका इरादा एक हो और बिहार के गरीबों एक हो, और इसी नारे पर हम लोग चल पड़े। उस समय समाज के सब तबके के लोग थे हमारे पास। अगर अल्पसंख्यक समाज में कहें तो हमारे पास उस समय बड़े नेता थे, अगर फॉरवर्ड समाज में कहें तो हमारे पास बड़े नेता थे, बैकवर्ड समाज में कहें तो हमारे पास बड़े नेता थे। बिहार में जितने भी बड़ी नाम था, सबने मिल करके इसका गठन किया और एक बड़ी ताकत के रूप में उभरा। और हम लोग रात दिन मेहनत किए, गरीबों के पास गए, गरीबों के दुख दर्द सुने। कालांतर में घटनाक्रम होता रहा, पार्टी के कुछ साथी हमारे पार्टी छोड़ के चले गए, कुछ पार्टी किसी कारणों से छोड़े, लेकिन हमका जो कारवां है धीरे धीरे बढ़ता रहा। हम लोग ने चुनाव लड़ा बिहार में, लोकसभा के चुनाव लड़े, विधानसभा के 15 में चुनाव लड़े, फिर हम अपनी ताकत को धीरे धीरे से जोड़ते हुए, बटोरते हुए आज 4 विधानसभा क्षेत्र से 4 विधायक हैं, हम एक एमएलसी हैं और हम सत्ता के भागीदारी हैं। कहने का मतलब है कि हमने अपनी ताकत को मजबूत की है बिहार में, और कोई इस कारण से नहीं कि हमको सत्ता में आना है, हम इस कारण से पार्टी बनाए हैं कि हमको गरीब की सेवा करना है। क्योंकि लोकतंत्र में कोई भी सिस्टम है, पार्टी सिस्टम है, कोई भी राजनीति जिसको सेवा ही कहा जाता है, कोई अलग मायने इसका लेता है तो समझते हैं कि वो गलत काम करता है। क्योंकि राजनीति शुद्ध सेवा है और उन भाइयों के लिए काम करना है, उन दूसरे भाइयों के लिए काम करना है जो समाज के लोग धारा से कहीं ना कहीं चढ़ गए हैं। तो हम उन्हीं की आवाज करने के लिए बना और हम बिहार में पूरी तेजी से काम कर रहा है, विभिन्न क्षेत्रों में अपनी सदस्यता, अपना संगठन का विस्तार कर रहा है, सदस्य की संख्या बढ़ा रहा है। और जहाँ भी हमारे लोग सब जगह हैं, हमने टॉल फ्री नंबर बिहार में दे रखा है, हम वहाँ पर हर सप्ताह उसका रिव्यू करते हैं। कोई भी व्यक्ति फोन करके, गरीब व्यक्ति हम लोग से बात करता है, हमारा नंबर है, हम खुद हमारे कुछ साथी हैं भी उठाते हैं और उनकी जो समस्याएं हैं उनको लोग दूर करते हैं, चाहे वो समस्या जिस स्तर का हो, क्योंकि हम
जिन लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं उनकी समस्याएं बहुत बड़ी नहीं होती है, उनकी समस्याएं जमीन की समस्याएं हैं, उनकी समस्याएं रोटी रोटी की समस्या है, उनकी छोटी मोटी जो उनके ऊपर अत्याचार होता है उनको नहीं जा अपनी बात नहीं कह पाते हैं, उनको एक सहारे की जरूरत होता है और वो सहारा हम बन करके उनका साथी बन करके लिए काम कर रहा है। लेकिन हमारा मकसद, हमका मकसद उनका सहारा बनना नहीं है, उनको इतना मजबूत करना है कि वो दूसरे का सहारा बने और दूसरे का उनकी मजबूत उनका जो परेशानी है उसको दूर करे। हम इस पर काम कर रहा है और हम हर जिले में ऐसे कार्यकर्ता तैयार कर रहे हैं जो समाज के उस वर्ग से आता हो और उसको हम इतना परिपक्व कर देते हैं, उनको हम मंच देते हैं, उनको कहते हैं कि अपनी बात को रखो तुम बोलो और एक तरह से उनके अंदर हम कैपेसिटी बिल्डिंग करते हैं और जब जाकर के उनका एक नेता का स्वरूप बनता है और अपनी बात करने लगते हैं तो एक अटैचमेंट आता है समाज के गरीब तत्वों से उठाए व्यक्ति को हम आगे करते हैं तो वहाँ अपनापन आता है और जो अपनापन आता है जो उनके आंखों में हम खुश देखते हैं जो चमक देखते हैं आप सबको मैं बता दूं इतनी खुशी मिलती है लगता है कि हम पार्टी में बनाए हैं कुछ हद तक हम अपने मकसद में कामयाब हुए हैं और हम जब तक निरंतर लगे रहेंगे उन लोगों को मोटिवेट करते हैं कि तुम जिस समाज से आए हो जहाँ से उठ के इस मंच पर आकर अपनी बात को कह रहे हो कल तुम आप तुमको कोई बोलने वाला बोलने नहीं देता था तुमको कोई मंच नहीं देता था आज तुमको मौका मिला है दिल में जितना भी उबार है इस सीने में जितने भी तुमने अपने एनर्जी को रात को दबा कर रखे उस आग को बाहर निकाल दो जिस दिन तुम्हें बाहर निकलिए जिस जमाना तुम्हारा होगा और इस हम चल रहा है और हम लोगों को जो मौका मिला बिहार में हम 7 सीटें मिले हम 7 सीटों गरीबों को देने का काम किया पर उन लोगों को मौका मिले और हमारे प्रदेश अध्यक्ष कह कर भूल माने जी वो आज विधायक बने हैं गरीब घर के बेटा है अगर आप उनसे मिलेंगे तो लगेगा कि हम किस तरह सोचता है हम किस डायरेक्शन में सोचता है और हम उनके लिए काम कर रहे हैं इसलिए हर जगह जहाँ भी आते हैं अपने गरीब भाई को आह्वान करते हैं ये पार्टी तुम्हारी है ये संगठन तुम्हारा है इसको अगर तुम ताकतवर बनाओगे तो तुम्हारी ताकत बढ़ेगी और जब इसकी ताकत बढ़ेगी इसकी भागीदारी बढ़ेगी तो निश्चित तौर पर तुम MP MLA और प्रतिनिधि बन करके तुम विधानसभा लोकसभा में जाओगे और अपने लिए आवाज उठाओगे अपने लिए विकास के काम पर तुम सृजित करोगे किसी के आगे भीख मांगने की जरूरत नहीं है ये आज हम पैदा करना चाहते हैं और इसलिए हम लोग गली गली घूम के गाँव गाँव घूम के कहीं भी हम लोग जाते हैं उन टोलों में जाते हैं जिनको मलिन बस्ती कहा जाता है जिनको विभिन्न नामों से पुकारा जाता है वहाँ जाकर के उन लोगों के साथ बैठ के खाना खाते हैं उनके साथ संवाद स्थापित करते हैं उनको ये भरोसा दिलाते हैं कि हम तुम्हारे हैं हमको कोई प्रोटोकॉल हम लोगों का नहीं होता है कि हम मंत्री हैं जो माननीय विधायक से बात नहीं करें हम लोग एक कार्यकर्ता की तरह करते हैं एक परिवार बनाने में विश्वास करते हैं चाहे पार्टी में किसी भी संगठन के किसी भी पद पर हो हम उसको परिवार की तरह रहते हैं हम लोग बैठ के परिवार की तरह बात करते हैं अपनापन निभाते हैं भाईचारा